हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल होप कि आप सब ठीक होंगे अगेन आई एम बैक विद न्यू वीडियो दैट इज मैट मेकअप लुक टुडे आई एम गोइंग टू शेयर दिस मेकअप लुक तो मैंने ये वाला लुक कैसे क्रिएट किया है तो so, चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला मेकअप लुक तो सबसे पहले ऑल यू नो वेरी वेल कि आपको अपनी स्किन को प्रैक्ट करना होता है जो भी आपका सी रूटीन है उसके साथ तो so, सबसे पहले uh, मैं यहाँ पर टोनर अप्लाई कर रही हूँ माई फेवरेट टोनर तो बस आपको भी अपना जो भी टोनर आप यूज़ करते हो वो अप्लाई कर लेना आफ्टर देन मॉइस्चराइज योर स्किन मॉइस्चराइज योर स्किन एंड देन सनस्क्रीन क्योंकि गर्मियाँ आ गई uh, 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 गर्मिया हैं तो सनस्क्रीन इज़ मस्ट बिफोर गोइंग आउटसाइड तो यहाँ पे बट मैंने यहाँ सनस्क्रीन यूज़ नहीं किया क्योंकि मैंने तो घर पे ही रहना था तो बस uh, अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको सनस्क्रीन वाला पार्ट जो है वो ऐड कर देना आफ्टर दैन प्राइमर तो प्राइमर इज़ वेरी नेसेसरी फ़ॉर द मेकअप सबसे पहले प्राइमर तो प्राइमर के साथ जो हमारे पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाते हैं और फॉर द मेकअप के लिए जो हमारा एक स्किन uh, uh, है वो रेडी हो जाती है आफ्टर देन सबसे पहले मैं करूँगी आई मेकअप तो आई मेकअप के लिए मैं सबसे पहले आई का बेस क्रिएट कर रही हूँ मैंने अपनी स्किन टोन से लाइट शेड लिया है फॉर द आई बेस आई बेस मेकअप तो देन Uh, ये वाला जो कप्स एंड नैश का पोर्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है तो ये ब्लेंडिंग में थोड़ा टाइम लगाता है तो मैं अगेन यहाँ पे एन वाई वी का कंसीलर जो है वो भी लाइट शेड ही है मेरी स्किन से वो वाला यूज़ कर रही हूँ और एक स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको मैं डैप डॉप करके उसको ब्लेंड कर रही हूँ एंड देन इसको मैं सेटल डाउन करूँगी लूज़ पाउडर के साथ तो पप के साथ लूज़ पाउडर बहुत ज़्यादा लग गया था मेरी आइज़ के ऊपर सो आफ्टर देन मैं पाउडर ब्रश लेके उसको डस्ट ऑफ कर दूँगी एक्स्ट्रा को तो बस मैं अब आई मेकअप स्टार्ट करूँगी आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैंने ब्राउन शेड पिक किया है ऐसा फर्क का मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे आज तो ब्राउन शेड के साथ मैं अपने क्रीज़ और रिफ्लेक्शन एरिया को बिल्डअप करूँगी तो दोनों आइज़ के ऊपर मैं अपने सेम सेम क्रीज़ और रिफ्लेक्शन एरिया को बिल्ड कर लूँगी आपको ऑलवेज़ यू हैव टू श्योर अबाउट कि दोनों आइज आप साथ साथ में करो सो uh, दैट so कि आपका जो मेकअप है वो इक्वली uh, जो है हो जाए तो देन दोनो, uh, दोनों फ्लफी ब्रश के ऊपर दोनों uh, आइज़ के ऊपर मैंने क्रीज एरिया और रिफ्लेक्शन एरिया जो हमारा होता है उसको मैंने uh, कर लिया एंड देन uh, मैं डार्क ग्रीन कलर का डार्क ग्रीन कलर जो है वो पिक करूंगी और उसको अपने आउटर विक के ऊपर अप्लाई करूँगी और ब्लेंड uh, करती जाऊँगी तो मैं इसको डार्कर और ज़्यादा डार्कर करूँगी बिकॉज मेरे सूट का जो कलर है वो काफ़ी डार्क ग्रीन कलर का है और पिंक शेड मैं इनर कॉर्नर्स के ऊपर लगाऊंगी जो हाफ ऑफ द आई है आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर्स है उसके ऊपर मैं पिंक कलर अप्लाई करूँगी और आप अपने सूट के शेड के अकॉर्डिंगली अपना जो कलर है वो स्विच कर सकते हैं तो बस ये मैंने अप्लाई कर लिया है तो ये वाला जो लुक आज का है वो मैट लुक है बट स्टिल मैं यहाँ पे शिमरी शेड जो है वो एड ऑन कर रही हूँ जस्ट फॉर जस्ट बस ऐसे ही ठीक है तो मैंने यहाँ पे शिमर उठाया शिमर को जस्ट लिड ऑफ द आई पे अप्लाई किया और फिंगर से फिंगर के साथ टैप टैप करके उसको यहाँ पे, पे स्टेबल कर दिया तो ये बस मैंने स्टेप एक और एड ऐड किया जस्ट फॉर द पॉप अप ऑफ माई आई मेकअप तो बस ये आई मेकअप हो गया आफ्टर दैन आई लाइनर अप्लाई कर रही हूँ आई लाइनर बस मिडल ऑफ द आई में स्टार्ट करूंगी और एक लाइन क्रिएट करूँगी ये भी आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो मोटा पतला जैसे भी आपको पसंद है आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो इसके बाद मैं अपने डार्कर uh, एरियाज़ को हाइड करने के लिए यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ तो इसके इसको मैं अपने डार्कर एरियाज़ के ऊपर पहले अप्लाई करूँगी दैन उसको स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको आप uh, ब्लेंड कर दूँगी जिसके साथ जो मेरे और डार्क एरियाज़ हैं वो कंसील आउट हो जाएंगे तो आपको uh, जो अपने डार्कर एरियाज़ को कंसील करना होता है वो आपको फाउंडेशन से पहले करना होता है तो यहाँ पे मैं इसको ब्लेंड करने के बाद आफ्टर दैन फाउंडेशन का जो स्टेप uh, है वो करूँगी डॉट डॉट करके पहले उसको अप्लाई कर लूँगी फाउंडेशन को एंड देन उसको वैद ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सिक्वीज़ करके वेट ब्यूटी ब्लेंडर को उसके साथ मैं उसको डाइविंग मोशन में टैप टैप करके उसको ब्लेंड कर रही हूँ तो यू कैन सी इन द वीडियो तो ये वाला जो वीडियो ये वाला जो मेकअप है वो मैट मेकअप होने वाला है तो इसमें मैं थो थो इस आज हाइलाइटर जो है वो यूज़ नहीं करूँगी और हाइलाइटर के पार्ट के ऊपर मैं एक अनदर स्टेप जो है वो एड ऑन करूँगी और वो मैं फर्दर आपको वीडियो में दिखाऊँगी तो बस ये वाला जो मेकअप है आज थोड़ा मैंने डिफरेंट डिफरेंट जो है वो किया है तो ये वाला पार्ट मैं बोल रही थी जो भी आपके, आपके हाईलाइटिंग एरियाज़ है उनके ऊपर मैं एक टू शेड लाइटर जो uh, मेरा कंसीलर है उसको मैं अप्लाई uh, कर रही हूँ अपने हाइलाइटिंग एरियाज़ के ऊपर उसको एंड देन प्लान कर रही हूँ तो आप uh, अगर मैट लुक कर रहे हो तो मैट लुक में क्योंकि हम हाइलाइटर यूज़ नहीं करते तो हम हाइलाइटिंग के uh, जगह पे uh, ये वाला जो स्टेप है वो ऑन कर सकते हैं इफ़ यू वांट देन यू गो फॉर इट इफ़ यू डोंट वांट अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो बट uh, मैंने आज कुछ थोड़ा अलग यूज़ किया है अपने मेकअप को और भी ज़्यादा ग्लोई दिखाने के लिए क्योंकि वैसे तो हम हाइलाइटर के साथ हमारे फेस पे ग्लो काफ़ी आता है बट मैंने आज हाइलाइटर की जगह पे ये वाला पार्ट जो है वो एड ऑन किया है तो इसके बाद कंटोरिंग करूँगी तो ये वाला जो कंटोर शेड है ये मेरी स्किन से बहुत ही है एक्चुअली ये कंसीलर तो ये कंसीलर मेरी स्किन से बहुत ही डार्कर था तो इसको मैं एज अ कंटोर यूज़ कर रही हूँ तो बस नोज़ की कंटोरिंग एंड चिनेरिया सॉरी चिक्स की कंटोरिंग मैं यहाँ पे करूँगी एंड ऑलवेज जो ब्लेंड करते हैं वो अपर वर्ड में हम इस uh, कंट्रोलिंग को ब्लेंड करते हैं एंड देन uh, ब्लशर अप्लाई करूँगी पहले इसको सेट कर लूँगी सारे मेकअप को uh, पाउडर के साथ एंड देन ब्लशर अप्लाई करूँगी मेबलिन का ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे तो एप्पल ऑफ द चिक्स स्माइल करके थोड़ा सा तो बस इसको अप्लाई कर कर लेती हूँ एंड देन थोड़ा सा नोज़ पे भी अप्लाई कर लेंगे तो इसके साथ हमारा जो मेकअप है वो बहुत ही फ्लॉलेस दिखेगा देन काजल काजल मैं ब्लू कलर का डार्क ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ तो बस इसको आ, करते करते ये मेरी जो इसके काजल की नोज़ल थी वो नीचे गिर पड़ी क्योंकि काजल टूट गया तो बस इसको मैंने बहुत मुश्किल के ऐसे इसलिए शेक कर रही हूँ कि वो अंदर चला जाता था फिर मैं इसको शेक करके उसको बाहर निकालती थी तो बस मैंने बहुत मुश्किल से काजल अप्लाई कर लिया एंड देन स्मजर ब्रश के साथ उसको स्मज कर दिया तो ये मेरे जोनू की आवाज़ है तो बस वो अभी जग गई है तो एक्सक्यूज मी फॉर द नॉइस एंड देन आई ब्राउज एक, एक, एक एंगुलर ब्रश के साथ ब्राउन आई शेडो के साथ मैं उसको फिल इन करूँगी एंड देन मैं मस्कारा मॉन्ड के साथ उसको सेटल डाउन कर लूँगी ये भी एक ट्रिक है अगर आपके पास स्पूली uh, नहीं है या फिर आईब्राउज uh, डिफाइनर नहीं है तो आप मस्कारा uh, मॉन्ड के साथ इसको डिफाइन कर सकते हैं और इसके साथ बहुत ही अच्छे आईब्राउज डिफाइन होते हैं सो so, ये मैंने कर लिए एंड देन ऑफ कैमरा में आई लाइश अप्लाई कर लूँगी फॉल्सिस एंड देन उसको कर्ल्स कर दूँगी मस्कारा बॉन्ड के साथ फिर uh, मैं टिश्यू के साथ अपने लिप्स को क्लीन करूँगी और फिर लिपस्टिक अप्लाई कर लेंगे पिंक कलर का मैंने लिप शेड अप्लाई किया है तो ये कंप्लीट मेरा फेस मेकअप जो है वो हो जाता है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं हाईलाइटर यूज़ नहीं करने वाली तो बस ये मेरा आज का मेकअप लुक तो लास्ट में मैं स्प्रे करूंगी मिस्ट करूँगी यूज़ फॉर द फिक्सिंग स्प्रे जिसको बोल सकते हैं कि आपने मेकअप uh, को फिक्स करने के लिए लॉक करने के लिए और ब्यूटी uh, ब्लेंडर के साथ उसको डैप टैप करके लॉक कर देंगे तो ये रहा मेरा आज का मेकअप लुक सो होप कि आपको ये वाला मेकअप लुक बहुत अच्छा लगा होगा सो so, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में so till in the next video bye bye love you all thank you for watching or uh, do subscribe my channel and uh, do share like the video so keep sport and keep showering love for me so thank you for watching bye bye